प्रणाम। प्रणाम। अरे कृष्णा, तो इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ आप में से। देखते हैं कौन भक्त इसका उत्तर दे पाते हैं। तो मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप इसको उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, श्री राम जी से सुग्रीव जी की जो भेंट हुई वो कौन से पर्वत पे हुई थी? कोई बता सकता है कौन से पर्वत पे श्री राम जी की सुग्रीव जी से भेंट हुई थी? यह शक्रवाल प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। धनत। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? तो हाँ, आ रही है, बताइए। ऋषिमुख पर्वत, हाँ, ऋष्यमुख पर्वत जो था उस पर। चलिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बताया, ऋष्यमुख पर्वत। ठीक है, देखो तुम वो शालीन गया, तुम्हें बस आया। देखो देखो, आधार कार्ड सब भेजना। हरे कृष्णा, सॉरी मैं। अच्छा, तो ऋष्यमुख पर्वत है ना, ये सही जवाब है। फिर बाकी सब भक्त हाथ नीचे कर ले, है ना। अच्छा, सीता मैया के किस वस्तु को राम जी को सुग्रीव जी ने दिया? राम जी को सुग्रीव जी ने सीता मैया की कोई चीज दी, वो क्या थी? बाकी सब लोग ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहे। कविता नेगी माता जी, रीना, नेहा, दामिनी पटियाल माता जी, हैं सब लोग नहीं सुन रहे। राधा कृष्ण प्रभु, चलो ठीक है। यस माता जी, ऋतु माता जी बताएंगे। यस माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी वस्त्र। हाँ वस्त्र है ना, वस्त्र का एक टुकड़ा सीता मैया ने इसको डाल दिया था, तो फिर उनको इन्होंने ले लिया और भगवान राम को ये दिया। ठीक, ठीक है।
यहाँ मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम आगे थोड़ा पढ़ते हैं। अब वर्षा ऋतु बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात, सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में मैं जानकी को ले आऊं। कहीं भी रहें, यदि जीती होगी तो हे तात, यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध भुला दी। तो हुआ यह है कि सुग्रीव को भगवान राम ने लक्ष्मण के साथ भेज करके राज्याभिषेक करवा दिया, तो सुग्रीव भूल गए। जिस बाण से मैंने बाली मारा था, बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारो। हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह करके हम तो ये हरे कृष्णा। ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो इस तरह से सुग्रीव को अब यहाँ पर कह रहे हैं, जासु कृपा छूटे मन मद मोहा, ता कहूँ उमा के सपने उपोहा। भगवान जो है लीला के लिए ऐसा कर रहे हैं, शिव जी ऐसा कह रहे हैं कि जिसकी कृपा से मद और मोह छूट जाता है, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है? नहीं हो सकता। अब धनुष चढ़ाकर लक्ष्मण जी निकले, बाण हाथ में ले लिए और रघुनाथ जी ने कहा कि ठीक है, आप सुग्रीव को केवल डरा के ले आओ, कोई ये जरूरी नहीं कि आप जो है उनको पिटाई करें, मारें, कुछ करें। तो अब यहाँ किष्किंधा में भगवान हनुमान जी ने सुग्रीव को समझाया कि भाई तुम राम जी का कार्य भूल गए ने? और हनुमान जी के वचन सुन के उनको डर लगा और उन्होंने कहा कि हे पवनसुत, सब दूतों को, समूह को भेजो और सबको बोलो कि भाई भगवान राम का कार्य करने के लिए सबको आना है, और सबको
15 दिन में जो नहीं आएगा उसको मेरे हाथों मृत्यु दंड मिलेगा। इस तरह से बोलने लगे सुग्रीव। जब लक्ष्मण जी वन में आए, जब उनके नगर में आए किष्किंधा में, तो सारे बंदर एकदम कहीं कहीं भागने लगे। वहां पर लक्ष्मण जी ने पहुंचकर कहा कि अभी अभी आपके नगर को मैं जलाकर राख कर दूंगा। फिर अंगद जी उनके पास आए और अंगद ने चरणों में सिर नवाकर विनती की, फिर क्षमा याचना की, और फिर लक्ष्मण जी ने उनको कहा कि डरो मत। हे हनुमान, सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। अब वो उनको विनती करके उनको महल में ले आए, चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। फिर वानर राज सुग्रीव जो थे उन्होंने चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। अब बहुत ही सुंदर बात बोल रहे हैं यहाँ पर सुग्रीव जी, बोल रहे हैं, नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही, सुनत विनीत बचन सुख पावा, लछिमन तेहि बहु विधि समुझावा। कह रहे हैं कि हे नाथ, विषय के समान इस संसार में नशा और कुछ नहीं। विषय के भोग विषयों के समान इस संसार में नशा और कुछ भी नहीं है। इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदाई। हनुमान जी ने सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे और वो सब हाल सुनाया। तब अंगद आदि वानरों के साथ लेकर राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी आगे करके सुग्रीव हर्षित होकर चले और रघुनाथ जी जहाँ थे वहां आए। फिर सब लोग वहां पर उन्होंने साफ साफ बता दिया, विषय बस ये सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा। कह रहे हैं, हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं, फिर भी मैं तो पशु हूँ, पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहा रहता है। तो इस तरह से ये बोलने लगे, लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया है, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई इन्हें प्राप्त कर सकता है। रघुनाथ जी ने कहा कि हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। हरे कृष्ण, 1 मिनट वेट।
तो फिर इस तरह से हरे कृष्णा। तो आगे फिर भगवान राम ने कहा कि ठीक है, आप कुछ उपाय कीजिए। अब शिव जी कह रहे हैं कि मैंने एक बार वानरों की सेना देखी थी। अब जो गिनना चाहे वो बहुत मूर्ख है। सारे संसार के जितने वानर थे वो सब आ गए उस समय, और सब खड़े हो गए आसपास, सब जगह वो खड़े हो गए और सबको ये आदेश मिला कि जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा। सुग्रीव के वचन सुनते ही वानर तुरंत जहां तहां चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया। हे धीर बुद्धि, चतुर नील, अंगद, जामवान, हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। तो सीता जी का पता इसलिए क्योंकि रावण ले तो गया था, लेकिन वो कहीं भी छिपा सकता है। कहां पर है सीता मैया, इसको पता करने के लिए। अब सब लोग ये पूछने लगे कि भाई, पता करने लगे किस तरह से सीता मैया को खोजा जाए। माया को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह दान करने का यही फल है कि सब कामों को छोड़कर राम जी का भजन ही किया जाए। तो यहाँ पर ये मन क्रम वचन, तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर श्लोक आ रहे हैं। और इसको मैं पढ़ता हूं, आप देखिएगा। मन क्रम बचन सो जतन बिचारे हूं, रामचंद्र कर काजू सवारे हूं। ये वाईफाई ये क्यों है, कनेक्ट हो रहा है पता नहीं क्या हुआ। तुम्हारे में कनेक्ट हो रहा है उसका वाईफाई? ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मन, वचन तथा कर्म से उसी का उपाय सोचना, श्री राम जी का कार्य संपन्न करना, सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी को उसकी सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से करनी चाहिए, मन, वचन और कर्म से करनी चाहिए। तो ऐसा सुग्रीव जी ये कह रहे हैं। सूर्य को पीठ से सेवा करनी चाहिए, है ना? नहीं, भानु पीठ ही से ही उर आगी, और अग्नि का सेवन आगे से करना चाहिए। स्वामी ही सर्व भाव चल त्याग।
तजि माया से परलोका मिटहिं सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फलु भाई भजिय राम सब काम बिहाई। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी जो रघुबीर चरण अनुरागी। आय सुमागी चरण सिरुनाई चले हरषि सुमिरत रघुराई। तो फिर भगवान राम का स्मरण करके सब लोग जाने लगे। फिर उसके बाद भगवान राम ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और उनके सिर को स्पर्श किया और अपने हाथ की अंगूठी उनको दे दी और कहा कि आप को अगर सीता जी यदि मिल जाए तो उनको ये बताना कि मेरा बल बहुत है और विरह मुझे उनसे बहुत है, मैं शीघ्र ही सेना लेकर आऊंगा। तो प्रभु को हृदय में धारण करके वो चले, सब वानर इत्यादि वहां से चले। राम जी के कार्य में इतने लीन हो गए सारे वारण कि उनको शरीर से भी प्रेम भूल गया, अपना खाना पीना भी भूल गया। और कहीं कोई राक्षस मिल जाता तो वानर उसको थप्पड़ मार के ही मार डालते, इतने शक्तिशाली हो गए थे। और अगर कहीं कोई संत महात्मा साधु मिल जाता तो सारे बंदर उसको घेर लेते कि बताइए, तो आपको तो भविष्य पता है, सब कुछ पता है, बताइए कि हमारी जो सीता मैया है वो कहाँ है। तब तक सबको बहुत प्यास लगी और कहीं पानी नहीं था। फिर आसपास में देखा तो उन्होंने एक आश्चर्य देखा कि पास में एक गुफा है और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। हनुमान जी सबको ले जाकर वही गुफा दिखलाने लगे और वो गुफा में घुस गए। वहां एक बहुत ही अच्छा बगीचा था, तालाब था, वहां बहुत सारे कमल थे, एक मंदिर भी था और एक स्त्री बैठी हुई थी, एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी हुई थी वहां पर। तो फिर तो Recording in progress. फिर
अंदर जाकर सबने देखा कि एक तपोमूर्ति स्त्री वहां बैठी हुई है। अब उसको सबने सिर नवाया और पूछने पर सब वृतांत उन्होंने सुनाया। तब उसने कहा कि जलपान करो और बहुत सारे फल खाओ। तो सबने फल खाया और उसके बाद उसने अपने बारे में सब कुछ कहा और कहा कि तुम लोग आंखें मूंद लो और मैं तुम्हें वहां लेके चलूंगी जहां पर सीता मैया हैं। गुफा छोड़कर तुम बाहर जाओ, आंखें मूंद कर फिर जब आंख खोली तो सब वीर देखते हैं कि वह समुद्र के तट पर हैं और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु जी के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसको अपनी अचल भक्ति दे दी। वह जो स्त्री थी वो बद्रिकाश्रम को फिर चली गई। उनका नाम था स्वयं प्रभा। अब जो वानर थे वो लोग सोच रहे थे कि अरे एक महीना तो बीतने को है और काम तो कुछ हुआ नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि अगर सीता मैया की खबर नहीं मिली तो फिर हम लोग लौट के करेंगे भी क्या, इसलिए मृत्यु तो हमारी निश्चित है। अगर सीता मैया नहीं मिली तो वैसे भी हम यहीं पे मर जाएंगे और वहां जाएंगे तो भी मर जाएंगे। अब अंगद के वचन सुन करके सब लोग बोलने लगे कि सब लोगों को समझ में आ गया। उनके नेत्रों से जल बह रहा था। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो गए। फिर सब कहने लगे हम लोग सीता जी को खोज के ही लौटेंगे। फिर वहीं तट पर सब लोग कुश बिछाकर वहीं लेट गए। जांबवान ने अंगद को दुखी देखकर कहा श्री राम जी को मनुष्य न मानो, वो अजेय अजन्मा परब्रह्म है। हम सब सेवक बहुत भागी हैं कि उन बड़भागी हैं कि उनकी सेवा का हमें अवसर मिल रहा है और वो हमसे प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरी सुर मही गो द्विज लागी, सगुन उपासक संग तहां रहे मोक्ष सब त्याग। इस संसार में जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें पांच प्रकार की जो मुक्ति है, सालोक्य सामीप्य सारस्त्री और सारूप्य सायुज्य, ये सारी मुक्तियों को छोड़ करके लोग भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसे भगवान जो हैं वो देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जब इस तरह से वो लोग बात कर रहे थे तो संपाति नाम के एक गिद्ध ने वहां बहुत सारे वानर देखे और इस तरह की भक्तिमय बातें सुन करके इस तरह की बातें सुन करके उनको लगा कि अरे ये तो लग रहा है कि बहुत सारा भोजन आ गया। फिर अब सब लोग डर गए कि ये अपने ये भोजन समझ रहा है हमें। तो जांबवान को बहुत समझ में दुख हुआ कि गिद्ध को देख करके सब लोग खड़े हो गए। अब हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर संपाति वानरों के पास आए और सारे वानर डर गए।
फिर उन्होंने जटायु के बारे में पूछा। तब जटायु के बारे में सब वानरों ने उनको बताया। अपने भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति भगवान रघुनाथ की महिमा वर्णन करने, किस तरह से लोग भगवान के भक्त थे देखो, है ना। संपाति एक गिद्ध है, वो भी भक्त है ना। फिर वो यह समुद्र के किनारे गए और वहां जा करके जटायु की मृत्यु के लिए उनका तर्पण इत्यादि किया। फिर उन्होंने वादा किया कि आपने ये खबर मुझे सुनाई है, इसलिए आपकी जो भी सेवा होगी मैं करूंगा। फिर श्राद्ध इत्यादि छोटे भाई का करने के बाद उन्होंने कहा कि हे वानरों सुनो, हम दोनों भाई जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए थे। जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। तो वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। तो चंद्रमा नाम के एक मुनि थे वहां पे। त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म भगवान शरीर जो है आएंगे और उनके जो दूत होंगे उनको स्पर्श करके तुम पवित्र हो जाओ और तेरे पंख उगाएंगे, चिंता न कर। उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की यह वाणी और आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, ये त्रिकूट पर्वत है जहां पर लंका जो है बसी हुई है। वहां स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। अशोक नाम का एक बगीचा है जहां सीता जी रहती हैं और वो बहुत दुखी हैं इस समय। किसने कहा है? संपाति ने कहा है, क्योंकि गिद्ध बहुत दूर से ही देख लेते। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य कर सकता। 100 योजन समुद्र लांग सकेगा जो, और बुद्धि निधान होगा वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया, अब पंख उग गए, तो राम जी की कृपा से उनके पंख आ गए। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। हे गरुण जी, कागभुशुंडी जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया तब उनके मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने की सभी में संदेह प्रकट किया। फिर जमवान ने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अगर मैं जवान होता तो जब वामन अवतार हुआ था तो बलि को बांधते समय भगवान जब बहुत बड़े बने तो 2 ही घड़ी में मैंने दौड़कर उस वामन देव के शरीर की 7 बार परिक्रमा की। वाह, ये कौन कह रहा है? सात बार इसकी परिक्रमा की है। अंगद ने कहा, मैं बाहर तो चला जाऊंगा परंतु लौट में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो परंतु तुम सबके नेता हो, तो हे हनुमान कौन सो काज कठिन जग माही, तुम
अरे कृष्ण सॉरी, ये नेटवर्क थोड़ा चला गया। तो इस तरह से ये अभी कहे रे छिपाती सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, तो नहीं होई तात तुम पाई। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकार। अब इस तरह से सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान हो गए। और फिर उन्होंने कहा कि बड़े सिंहनाद करके कहा, मैं खेल खेल में ही इस समुद्र को लांग लूंगा। और रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहां ले आ सकता हूं मैं। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे उचित सीख देना। जामवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख कर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को लेकर आएंगे। केवल देख के खेल के लिए ही वे, तो हे तात, तुम जाकर इतना ही करो। ठीक है, तो इतना ही उन्होंने आदेश दिया। फिर उन्होंने समझाया कि तुम बस इतना करो, फिर राम जी जाएंगे और वो उनको लेके आएंगे। और फिर तीनों लोग इस पूरी लीला को बाद में पढ़ेंगे। तो यहीं तक आज हम चर्चा करते हैं। आज हमने लगभग 15 पेज पढ़े, आज थोड़ा समय कम होने, तो इससे आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा माता कृष्णा प्रभु पार्वती, जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत।